लॉकडाउन की वजह से ट्रेनों के परिचालन पर लगने वाली रोक अब हटा ली गई है। मंगलवार से नई दिल्ली से 15 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर कोई टिकट बुक नहीं की जा सकेगी। जिसको भी अपने घर जाना होगा उस व्यक्ति की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी। अगर यात्री का स्वास्थ्य सही पाया गया तभी उसे ट्रेन में चढ़ने दिया जाएगा। इन 15 ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों का राजस्थान में भी स्टॉपेज होगा। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक आने और जाने वाली ट्रेन का स्टॉपेज राजस्थान के शहर कोटा में भी होगा। दिल्ली से राजस्थान जाने वालों को मंगलवार, बुधवार और रविवार का इंतजार करना होगा। वहीं तिरुवनंतपुरम की ओर से मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार का इंतजार करना होगा। इसके अलावा नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक जाने आने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज भी कोटा में होगा। ये ट्रेन रोजाना सफर करेंगी। नई दिल्ली से अहमदाबाद आने और जाने वाली ट्रेन प्रदेश की राजधानी जयपुर और माउंट आबू में रुकेगी। इस ट्रेन का सफर भी रोजाना होगा। नई दिल्ली से मडगांव के बीच चलने वाली ट्रेन भी कोटा में रुकेगी। नई दिल्ली से आने वाले लोगों को शुक्रवार और शनिवार का इंतजार करना होगा, तो वहीं मडगांव की ओर से आने वाले लोगों को सोमवार और रविवार का इंतजार करना होगा। ये सभी ट्रेन वापसी के वक्त भी इन स्टेशनों पर रुकेगी। इन स्पेशल ट्रेनों का किराया ज्यादा है क्योंकि इन ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच लगे हैं। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि गरीब और मजदूर तबके के लोगों के लिए जगह जगह से श्रमिक एक्सप्रेस चलती रहेगी। राजस्थान तक के लिए अनुराग सिन्हा की रिपोर्ट।